इन प्रीवियस लेक्चर यू हैव स्टडीड के मीन्स एल्गोरिदम न्यूमेरिकल एंड दिस इज नाउ के मीडियोइड न्यूमेरिकल. वी कैन से दैट के मीडियोइड इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ के मीन्स. इट इज़ ऑल्सो अ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम एंड इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मोस्ट सिमिलर और वी कैन से वी हैव टू फाइंड लीस्ट डिसिमिलर ऑब्जेक्ट. एंड बेसिकली वी हैव टू डू क्लस्टरिंग. दैट्स वाई वी आर यूजिंग दीज एल्गोरिदम्स, दैट इज़ के मीन्स और के मीडियोइड. सो वील टेक एग्जाम्पल फॉर के मीडियोइड ऑल्सो. सो हेयर इज़ द सैम्पल डेटा सेट एंड इन दिस ऑल्सो वी हैव टू डिवाइड द डेटा सेट डेटा इन टू टू क्लस्टर्स. सो हेयर इट इज़ गिवन के इक्वल्स टू टू. This is the data I, X, Y I have just given for denoting the data. That's it. So here is the data. First of all, we have to select the two random rows. The likewise we have already done in k-means algorithm question. So here we take x2 row and x8 row. So we select two random objects or rows C1 3,4 and C2 7,4. For solving or creating clusters, we'll make a table. ठीक है, table बनाने के लिए table बहुत easy है. हम इसमें Manhattan distance का formula use कर रहे हैं. Manhattan distance आप पहले भी use कर चुके हैं, उसमें mod का use होता है. ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पे ये values लिख ली हैं. बेसिकली हम ये जो दो वैल्यूज़ हैं, जो दो रोज हैं, वो हम इन टेबल में से स्किप कर देते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x2 नहीं है, x1 के बाद डायरेक्टली x3 आ गया है और यहाँ x8 नहीं है, x7 के बाद x9 आ गया है. ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे. और हम पहले C1 के लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो C1 की वैल्यूज़ खाली यहाँ पर लाइन से लिख देंगे 3,4, 3,4, 3,4 करके. ठीक है, अपने समझने के लिए हम इसको ए मार्क कर देते हैं, बी, सी और डी. ठीक है, ताकि हम मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला इजीली लगा सकें. मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला है ए मॉड ए माइनस सी प्लस मॉड बी माइनस डी. ठीक है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे. ऐसे ही करके हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे. उसके बाद हम C2 के लिए निकालेंगे. C2 की वैल्यू क्या है, 7,4 है. तो 7,4 के लिए भी हम सेम वैसे ही कर लेंगे, वही दो रोज़ हम स्किप कर देंगे, बाकी सारा हम वैसे ही लिख लेंगे. हम मैनहट्टन डिस्टेंस के फॉर्मूले से कॉस्ट निकालेंगे. उसके बाद हम दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करते हैं. ठीक है, ये रही हमारी कॉस्ट C1 की और ये रही हमारी कॉस्ट C2 की. देखेंगे कि कौन सी दोनों में से छोटी है, हम उसको मार्क कर लेंगे. 3 और 7 में 3 स्मॉल है, तो 3 को मार्क कर लिया. 4 और 8 में लाइकवाइज हम ऐसे ही सारी वैल्यूज़ को मार्क कर लेंगे. उसके बाद हम देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कंपेयर बोथ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट C1 एंड कॉस्ट C2 एंड फाइंड आउट मिनिमम. सो अब हमारा क्लस्टर 1 क्या होगा. क्लस्टर 1 में हमारा 2,6 3,8 और 4,7, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ छोटी थी, और साथ में ही हमारा 3,4 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि C1 हमारा 3,4 था. और ऐसी बाकी सारी वैल्यूज़ हमारी किस में आ जाएंगी, क्लस्टर C2 में. अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है. टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा हमने इनिशियलाइज़ किया था, 3,4 इनिशियलाइज़ किया था और 7,4, तो 3,4 को हम सबके साथ पेयर करके लिख लेते हैं. कॉस्ट 3,4,2,6 3,4,3,8 3,4,4,7, ऐसे ही 7,4,6,2 7,4,6,4 7,4,7,3 7,4,8,5 और 7,4,7,6 लिख लिया. ये कॉस्ट की वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, चाहे तो हम देख सकते हैं 3,4,2,6 हम इस वाले टेबल से देख सकते हैं. 3,4,2,6 के सामने कौन सी कॉस्ट है, 3. ऐसे ही 3,8,3,4 में 4, ऐसे ही ये 4. तो ऐसे ही करके हमने लिख लिया 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, देखिए यहाँ पे 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2. ठीक है, हमारी टोटल वैल्यू आ गई 20.
अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी रैंडमली एक नॉन मीडियोइड ले लेंगे। नॉन मीडियोइड क्या है, कोई भी स्टार्टिंग टेबल वाली हमारा रैंडम नंबर जैसे हमने पहले लिया था। तो इस बार हम क्या ले रहे हैं, 7,3, दैट इज X7 रो ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया, ओ डैश से मार्क कर लिया 7,3, जो कि हमारी रो X7 है। अब हमारे जो नए मीडियोइड्स हैं वो C1 3 4 है और ओ डैश 7 3 है। ठीक है, C1 के साथ ही हम ले रहे हैं। हम फिर से सेम वही प्रोसेस करके मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके दोनों की कॉस्ट निकाल लेंगे। दोनों में से चेक करेंगे कौन सी स्मॉल है, क्लस्टर्स डिफाइन कर देंगे, उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक और स्टेप करेंगे, निकालेंगे कॉस्ट ऑफ स्वैपिंग मीडियोइड फ्रॉम C2 to OS। जो हमने पहले वाला मीडियोइड यूज़ किया था और जो दोबारा में मीडियोइड यूज़ किया है, उन दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। पहले हमारी जो कॉस्ट आई थी वो 20 आई थी और अब किस हमारी 22 आई है। तो 22 माइनस 20 2 है, जो कि 0 से ग्रेटर देन है। हम ये देखेंगे कि अगर ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि जो नया मीडियोइड लिया था हमने, उसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं थी। इट इज़ अ बैड आइडिया, हमें पहले वाले मीडियोइड से ही काम सही चल रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाती, ठीक है, तो हम फिर से चेक करते। अगर 0 से छोटी वैल्यू आएगी तो हम फिर से करते रहेंगे जब तक उसकी बड़ी वैल्यू नहीं आ जाती, और अगर बड़ी वैल्यू आ गई है तो हम वहीं पे प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं। दैट्स इट, ये हमारा के मीडियोइड का एग्जाम्पल था। थैंक यू।